बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी ग्रेड एट क्लास एट की इंग्लिश आगे रीड कर रहे हैं। हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था यूनिट नंबर 3, वुमेन रोल इन आवर सोसाइटी, औरतें क्या अहम किरदार अदा करती हैं हमारे माशरे में। ठीक है, पेज नंबर 27 आज हमारे पास है, उसमें हम रीड करेंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे प्रैक्टिकल लाइफ तक। आज हमारे हैं विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ हायर एजुकेशन इन मॉडर्न वर्ल्ड वुमेन हैव अ ड्यूल रोल टू प्ले, द फर्स्ट वन इन विद इन द होम एंड द अदर वन इन द कम्युनिटी इन विच दे लिव। देखिए, तालीम के हिसाब से अगर बराबरी के हकूक पे देखा जाए तो औरतें दो अहम किरदार अदा करती हैं, एक अपने घर में और दूसरा बाहर माशरे में। ठीक है, दे कैन नॉट प्ले देयर रोल अनलेस दे आर इनकरेज एंड असिस्टेड बाय द मैन फ्लॉक। अगर वो अपना अहम किरदार तब तक अदा नहीं कर सकती जब तक उनको क्या कहते हैं इनकरेज, उनको एक अच्छी पीछे से क्या कहते हैं मोटिवेशन ना दी जाए, उनको हौसला अफजाई की ना की जाए कि वो भाई मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं। अ मदर हु ब्रिंग अप हर चिल्ड्रन प्रॉपरली इज आर रियली अ ग्रेट बेनिफैक्टर ऑफ द सोसाइटी। एक माँ जिस तरह अपने बच्चे का ख्याल रखती है, ये एक माशरे में एक बहुत अहम किरदार रखता है। इस्लामिक सोसाइटी गिव अ वेरी रिस्पेक्टेबल स्टेटस टू वुमेन। इस्लाम ने औरतों को बहुत अहम, बहुत एक अच्छा मुकाम दिया है, बहुत इज्जतदाराना मुकाम दिया है। ठीक है, ठीक है। एज अ मदर शी हैज मोर राइट देन मैन। एक माँ की तरह से देखा जाए, इस्लाम में एक माँ की हैसियत देखा जाए तो मर्दों से ज्यादा, आदमियों से ज्यादा औरत के पास कहते हैं इख्तियार हैं। एक माँ के पास बहुत सारे इख्तियारात हैं। देयर इज अ सेइंग ऑफ हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वेली द पैराडाइज लाइज अंडर द फीट ऑफ आवर मदर। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बरक्स देखा जाए तो एक औरत के, एक माँ के पाँव के नीचे क्या है, जन्नत है। This saying is more than enough to emphasize the importance of prestigious status of woman. ये हदीस काफी रहेगी इस बात को जाहिर करने के लिए कि एक औरत का क्या किरदार है, ठीक है, हमारे माशरे में। We can see that the status of woman has been improving slowly and steadily in Pakistan. पाकिस्तान में औरतों का जो क्या कहते हैं स्टेटस है, जो उनका क्या कहते हैं एक क्या कहते हैं रुतबा है, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता क्या कहते हैं बढ़ रहा है। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन विच कुड हेल्प देम नॉट ओनली शो देयर टैलेंट बट आल्सो दे टेक अ पार्ट इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है कि वो औरतों को हकूक दिला सके, ऐसे उनको मौके फराहम करे, अपॉर्चुनिटीज दे कि वो अपने आप को, अपना टैलेंट शो कर सके और बता सके कि वो मर्दों के बरअक्स चल के काम भी कर सकती है और उसके बरअक्स वो एक अहम किरदार अदा कर सकती है माशरे में। ठीक है, एक बार दोबारा में रीड कर लें। विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ हायर एजुकेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड वुमेन हैव अ इक्वल ड्यूल रोल टू प्ले, द फर्स्ट वन इज विद इन द होम एंड द अदर इन द कम्युनिटी इन विच दे लिव। दे कैन नॉट प्ले देयर रोल अनलेस दे आर इनकरेज एंड असेंटेड बाय द मैन फ्लॉक। A mother who bring up her children properly is really a great benefactor of the society. Islamic society gives a very respectable status to women. A mother, she has more right than men. There is saying our Prophet Muhammad, peace be upon him, really the paradise lies under the feet of our mother. Thus, this saying is more than encouraged to emphasize the importance of prestigious status of a woman. We can see that the status of woman has been improving slowly and steadily in Pakistan. The government is trying to improve opportunities to women, which could to help them not only show their talent, but also to take a part in the development of society. अब तक की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह।